नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। देख रहे हैं आप हमारी खास पेशकश। बारिश शुरू होते ही सबसे बड़ा डर रहता है जर्जर इमारतों के गिरने का। कुछ दिनों पहले ही मुंबई में जर्जर इमारत गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। पिछले साल बारिश के मौसम में ही शाहबेरी में गिरी इमारत ने कई जानें ली थी। इन सब के बावजूद यूपी में कई इमारतें हैं जो ऐसे हादसों को दावत दे रही हैं और प्रशासन ऐसे हादसों का इंतजार कर रहा है। राजधानी लखनऊ हो, यूपी का कोई और शहर, आपको कई ऐसी बिल्डिंगें मिल जाएंगी जिनकी हालत ऐसी है कि आप सिर्फ उन्हें देखकर ही उनके पास जाने से डरेंगे। लेकिन लापरवाही का हालत यह है कि लोग अभी भी वहां रह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये जर्जर इमारत यूपी की राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज की है। तस्वीरें देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बारिश का मौसम है और तेज बारिश अपने साथ इस पूरी बिल्डिंग को नीचे ला सकती है। बिल्डिंग की हालत पहले से इतनी खराब है, इसके बावजूद बिल्डिंग के ऊपर भारी वजन वाले होर्डिंग भी लग रहे हैं। बिल्डिंग से प्लास्टर निकल चुका है, पुरानी ईंटें कमजोर हो चुकी हैं, आधे छज्जे गिर चुके हैं और कई जगह घास उग गई है। रेलिंग की खिड़कियां टूट चुकी हैं, इमारत कब तक टिकेगी कुछ पता नहीं। इन सब के बावजूद इस पर एसी बोर्ड होर्डिंग का एक्स्ट्रा भार भी है। चारों तरफ लोहे के फ्रेम लगे हैं ताकि इनमें होर्डिंग लगाई जा सके। दुकानदार यहां से हटने को तैयार नहीं है। उनके हिसाब से बिल्डिंग पूरी सही है, बस प्लास्टर उतरा है। बिल्डिंग जो है ये जर्जर स्थिति में नहीं है, खाली प्लास्टर थोड़ा बहुत उखड़ा हुआ है, जो कि ट्रस्ट की बिल्डिंग है और इसका अगर ट्रस्ट जो है प्लास्टर वगैरह करा दे तो फिर से मजबूत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, किसी तरह की फिट है बिल्डिंग। दुकानदार बिल्डिंग को सही बता रहे हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। खस्ता हाल बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ में 500 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो कभी भी ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ नोटिस भेजने से काम नहीं चलेगा, शासन को कार्रवाई करनी होगी, वरना कब बड़ा हादसा हो जाए कुछ कह नहीं सकते। बारिश का महीना शुरू हो चुका है और इसको लेकर के लगातार घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस समय हम नरही में खड़े हजरतगंज का एरिया है और ठीक सामने आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। और ये केवल इकलौती बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई ऐसे भवन हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं कि वो कभी भी गिर सकती हैं। और बारिश का लगातार जिस तरीके से प्रकोप चल रहा है, कई कई दिन तक लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जान का तो खतरा है ही है, साथ ही साथ अच्छी खासी संपत्ति का भी नुकसान होना है। लेकिन जो जान का नुकसान होना है वो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चीज़ है। और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसके ठीक बगल में जो आप पूरी स्थिति देख रहे हैं, जहाँ पर ये तमाम तरीके से विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए हैं, ये एक शत्रु संपत्ति में आते हैं। लेकिन ये भवन भी जर्जर हैं, इनमें कई ऐसे आवास हैं जो बिल्कुल जो है बिल्कुल ध्वस्तीकरण की स्थिति में पहुँच चुके हैं। लेकिन फिलहाल ना तो अभी तक इन जगहों को खाली कराया गया और ना ही साथ ही साथ ऐसी जगहों खाली। हालाँकि बीते दिनों जिला प्रशासन ने एक जो है एक निर्देश जारी किया था कि जितने भी ऐसे जर्जर भवन हैं वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा और उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान को रोका जा सके और साथ ही साथ लोगों को जो इस तरीके के आवास में रहने के लिए जो उनको खतरा महसूस हो रहा है उस खतरे को भी कम करने का प्रयास किया गया था। हालांकि फिलहाल ऐसा होता कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है या फिर ये लोगों के साथ इस तरीके से कागजी कार्रवाई करते हुए बाकी आगे की चीज़ें अपने आप ठप कर दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट इस्लाम के साथ आशीष सिंह, लाइव टुडे, लखनऊ। ये जर्जर इमारत यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद अब आपको संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भी सैकड़ों इमारतें ऐसी हैं जो
जो कभी भी धाराशाही हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद रखी और हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। संगम नगरी प्रयागराज में हमारी टीम ने शहर के कई इलाकों में जाकर वहां बने जर्जर इलाकों की हालत देखी। हमें बहुत से घर और इमारतें ऐसी मिली जो कभी भी जमींदोज हो सकती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को पता है कि ना जाने कब उनका आशियाना मिट्टी में मिल जाए, मजबूरी में डर के साय में रहने को मजबूर है। बारिश का मौसम है और तेज बारिश कब इस इमारत को मलबा बना दे कुछ कह नहीं सकते। छत से प्लास्टर गिर चुका है, अंदर लगी सरियां भी जंग खा चुकी हैं। फलियों के सहारे कहीं कहीं पर छत को रोका गया है, जगह जगह दरारें आ गई हैं। यहाँ रह रहे लोगों ने कई बार पार्षद से लेकर मंत्रियों तक से गुहार लगाई, अधिकारियों से निवेदन किया, लेकिन इन सब के बावजूद कोई इनकी समस्या को दूर करने का तो छोड़िए सुनने को तैयार नहीं है। हमारा मकान जर्जर है, कम से कम 15-16 साल से, तो एप्लीकेशन दिया, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत डर लगता है, पानी बरसता है, ऊपर से नीचे तक टूटा है, पन्नी लगा के रह रहे हैं। 6-7 लोग रहते हैं उसमें, कभी भी हादसा हो सकता है। डर काफी लगता है, कभी भी अचानक से कोई निकल रहा आ जा रहा है, कभी भी मलबा गिर सकता है, कोई मर सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो बताइए इसके लिए हम लोग क्या करें। बहुत एप्लीकेशन से कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ही कहना चाहते हैं हमारी मदद करें। लोग परेशान है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन परेशानी सुनने को तैयार नहीं है। संगम से सटे दारागंज इलाके में जर्जर घरों की संख्या सबसे ज्यादा है। मुंबई के डोंगरी इलाके में इमारत गिरने के बाद आज हमारी टीम भी संगम शहर प्रयागराज के कई इलाकों में गई और वहां देखा कि आखिर इन मकानों की क्या हालत है। और आप देखिए, हम मौजूद हैं संगम शहर प्रयागराज के दारागंज इलाके में और आप यहां पर एक मकान के सामने हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि आखिर इस मकान की क्या हालत है। पूरा मकान जो है वो जर्जर हालत में आपको दिखाई दे रहा होगा। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ इलाके के जो लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद हुए और अपनी अपनी परेशानी बताए। ऐसे ही हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई हैं कि आखिर प्रयागराज के मकानों की क्या स्थिति है। और ये वही इलाका है जहाँ देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा हुआ था, उसी से सटा हुआ ये इलाका है। और यहाँ की अगर हम आबादी की बात करें तो भारी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग, ये बताइए आपका मकान है, क्या कहना चाहती हैं इस मकान की, कितनी हालत है? ये मकान आज ढेर रोज से बहुत पुरानी हो गई है, पूरा चिटका वरान है। अब डर लगता है, जब बारिश आ जाता है तो टप टप चूरने भी लगता है, गिरने भी डर लगता है। मने बैठे रहते इसको सही कराओ, जब मेरे पास पैसा ही नहीं है इसको कैसे मरम्मत कराएं, कैसे सही कराएं। जिसे आपने शिकायत की या बताई अपनी तकलीफ, अब किससे बताएं, जिसके लगे जाए तो सुनाई नहीं होता। अब जब हमारे पास होगा तभी तो हम बनवाएंगे। क्या सरकार से क्या कहना चाहती हैं? अब सरकार जब हमें कुछ देगा तो हम अपन बनवाएं, मरम्मत कराएं। जब है ही हम लोग के पास है ही नहीं है तो हम लोग क्या करें। बिल्कुल, तो ये लोग भी सरकार से दरख्वास्त कर रही हैं कि सरकार अब इनकी मदद करे, क्योंकि ये जो मकान है ये कभी भी हादसों को दावत दे रहे हैं। और अगर हम बात करें तो हर मकान में यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं और बारिश का मौसम चल रहा है, और ऐसे में अगर कोई भी यहाँ हादसा होता है तो कई जिंदगियां यहाँ से जा सकती हैं। ऐसे में सरकार से सभी लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को प्रमुखता से ले, और ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है जिसकी वजह से ये मकान को सही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार कब जागती है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सईद आकिर रजा, लाइव टुडे प्रयागराज। आगरा में काशीराम आवासों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सिर्फ 10 साल में ही
घर इतने जर्जर हो चुके हैं कि कई मकानों से प्लास्टर गिर रहा है, कई छज्जे जमींदोज हो चुके हैं और बारिश में तो पूरा घर ही गिरने का डर है। आगरा में गरीबों के लिए यमुना पार के कालिंदी विहार में बने काशी राम आवासों में अब लोग रहने से भी डर रहे हैं। यहाँ के आवासों की हालत बदतर हो चुकी है, जगह जगह प्लास्टर गिर गया है, दीवारों में दरार आ गई है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई सुध लेने वाला नहीं है। दस साल पहले बने इन आवासों में धांधली का आलम यह है कि तेज हवाएं चलती हैं तो प्लास्टर गिर जाता है, बरसात में यही हाल होता है। सरकार ने गरीबों को आवास देने के लिए इन घरों को बनवाया था, लेकिन इस खस्ता हाल हो चुके घर में लोग बहुत सहमे सहमे रहते हैं। बहुत से लोगों ने तो डर के कारण आवासों को खाली ही कर दिया है, कई लोग यहां से हमेशा के लिए जा चुके हैं। आलम यह है कि 1500 में से सिर्फ पिछले एक साल में 400 से ज्यादा परिवार अपना घर खाली कर गए हैं। ये 2008 में बने हैं और क्या कहते हैं, हम लोगों को 2010 में अलॉटमेंट हुआ है। अच्छा अच्छा जी हाँ। अभी क्या स्थिति है इन मकानों? अभी स्थिति ऐसी दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा लग रहा कि जब भी आंधी तूफान आए तो ऐसा लगता है कि अब गिरा कि तब गिरा। अच्छा जी हाँ, बहुत ही मतलब मुश्किल से लोग रह रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल कोई साधन नहीं है वही लोग रह रहे हैं, बाकी तो सब जिन जो किराया दे सकते हैं वो तो चले गए किराए पे। लेंटर भी ऐसे धरे हुए हैं, चाहे अब धराशायी हो सकते हैं और बारिश आती है उस समय तो छज्जे अपने आप गिरते हैं नीचे, गटर भर जाते हैं बुरी तरीके से, ये गंदगी रहती है, पानी का कोई साधन ढंग से नहीं। नहीं बरसात तूफान आता है तो उस समय तो बहुत बुरी पोजीशन हो जाती है, सब ये लगता है कि यहाँ से बाहर निकलो, बहुत बुरी पोजीशन उस समय तो हो जाती है, छतें जाती हैं। क्या स्थिति? हाँ ग्रास हो गए हैं सब, सही है, ईंटें बिल्कुल निकल आई हैं बिल्कुल बाहर। लेंटर? लेंटरों का भी यही पोजीशन हो रही है कि सरिये चमक रहे हैं, कुछ घरों में तो गिर भी रहे हैं लेंटर थोड़े बहुत। जड़ गए, एकदम गिर गए हैं, छज्जे ग्रास हुए हैं, गिर भी चुके हैं, कई जनों के चोटें भी लग चुकी हैं। अब ऐसे हालात है, बारिश वगैरह और यार आंधी वगैरह आते थे झरते है सवारों। अच्छा अच्छा, अब बहुत बुरे हालात है, नाल वगैरह टूट चुका है। हाँ अब ये सारिया इधर देखिए, ये बिल्कुल झुक गई है जी अंदर बाहर। हाँ अरे बच्चे अच्छे कागत है, गिरा गुरी करे, गिर गुर जाए तो और आफत आ जाए। अच्छा। बच्चों की नाली तो नाली भरे रहते हैं, नाली भी सफाई नहीं होती है। हाँ हाँ, अगर अंदर आंधी आती है तो डर से लगते ही है, जब गिरने के संभावना होंगे तो डर तो लगेंगे। सिर्फ 10 साल में ही घरों की ये हालत हो गई है कि यहाँ रह नहीं सकते और प्रशासन अब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब ये घर गरीबों को सरकार की तरफ से मिले तो उन्हें लगा कि उनके सिर पर छत आ गई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि 10 साल बाद इसी छत के नीचे उन्हें डर डर कर रहना पड़ेगा। आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट। कानपुर और उन्नाव में भी धूल फांकती सरकारी इमारतें अपनी बदहाली का रोना रो रही हैं। सैकड़ों साल पुरानी इन इमारतों को कोई देखने वाला नहीं, कई बार शासन को रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन इन सब के बावजूद शासन में बैठे लोग बड़े हादसे का इंतजार ही कर रहे हैं। के उन्नाव की पुरानी तहसील की है, जो पहली नजर में खंडहर ही लगता है, लेकिन इन्हीं खंडहरों जैसी दिखने वाली इमारतों में कई लोग काम करते हैं, लिहाजा अगर कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। दशकों पुरानी ये बिल्डिंग अब जर्जर हो चुकी है, दम तोड़ती दीवारों में अब भी राजस्व और आबकारी जैसे महकमे चलते हैं। पहले यहाँ तहसील थी, इसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। शासन को रिपोर्ट सौंपी गई कि इमारत बिल्कुल जर्जर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ दूसरे विभागों का काम जारी है। जर्जर इमारत में फिर से सरकारी विभागों की तैनाती कर दी गई। वहीं पूरे मामले में जिले के कलेक्ट्रेट से बात करने की कोशिश की, पर कोई भी जिम्मेदार कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। जिम्मेदार बोलने को तो तैयार नहीं है, लेकिन हादसे के इंतजार में जरूर बैठा है।
जर्जर हालत में होने के कारण ही तहसील ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद क्या ये गवर्नमेंट का प्रशासन द्वारा ऐसी कौन सी योजना यहाँ पे लगा दी गई, ना तो बिल्डिंग ख़त्म की गई, बिल्डिंग को ख़त्म करके नई बिल्डिंग बनाना चाहिए था, उसी बिल्डिंग को मरम्मत करके कितना पैसा इन्होंने इधर उधर करके किस तरह से उसको बनाया है, तो ये तो गलत है। और हमारे यहाँ से एक कोर्ट है आरटीओ एक्सीडेंटल कोर्ट, उसको भी यहाँ पे ला दिया गया, जिसके लिए हम लोग हड़ताल पे भी हैं, तो ये तो गलत है। और यहाँ पे कई सारे ऑफिस चल रहे हैं, कोई घटना बड़ी घटना अगर घट जाती है तो उसमें जान माल का अत्यधिक नुकसान हो सकता है, और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी, प्रशासन के द्वारा किया गया है। तो देखिए, उन्नाव की पुरानी तहसील का जो भवन है जिसमें शासन द्वारा जिला प्रशासन द्वारा MSET कोर्ट स्थापित की जा रही है, वो कई वर्ष पूर्व जर्जर हालत में रिजेक्ट करके शासन को सूचना भेज दिया चुकी है। इस रिपोर्ट के बाद भी पता नहीं किन परिस्थितियों में वो स्थान न्यायालय के काबिल नहीं, न्यायाधीश के बैठने काबिल नहीं है, फिर भी किस आधार पर उसकी मरम्मत करा करके उसको कोर्ट को रोक दिया गया है, ये बड़े हम लोग खुद आश्चर्य में हैं, आंदोलित हैं, बराबर मांग कर रहे हैं आज हड़ताल हम लोग पंद्रवादी में कि वहाँ पर कोर्ट कतई 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 स्थापित न हो और हमें कलेक्ट्रेट में ही कहीं कोई MSET कोर्ट की स्थापना कर दी है। 1891 बनी ये सरकारी इमारत आज धूल फाँक रही है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये पुरानी तहसील है, वो बाकायदा करोड़ों की लागत से तहसील बनाई गई थी और यहाँ पर बाकायदा अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर अपना कार्य करते थे। आज ये पूरी तहसील बाकायदा पूरी तरह से खंडहल में तब्दील हो चुकी है, यूँ कहें ये खंडहल जो है भूतों का आशियाना बन चुका है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी अब नहीं आता है, और साफ तौर से अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी कई विभाग हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, तो जाहिर सी बात स्वाभाविक है यहाँ पर जिस तरह से जो विभाग चल रहे हैं कहीं ना कहीं अगर कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। अब आपको उन्नाव से कानपुर ले चलते हैं, यहाँ तो सैकड़ों साल पुरानी इमारतों की गिनती तक नहीं की जा सकती। शहर में कई पुरानी इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। ये इमारतें कब हादसे का सबब बन जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। बरसात का मौसम आने के बाद इन इमारतों के ढहने का डर भी बढ़ गया है। अधिकारी जनप्रतिनिधि कोई इनके प्रति संजीदा नहीं दिखता। कानपुर में जर्जर मकानों को लेकर सबसे ज्यादा ग्वाल टोली, जूही सफेद कॉलोनी, लाल कॉलोनी, परमठ, पुराना कानपुर, चौक सर्राफा, बादशाही नाका, चमनगंज, बेकनगंज, हरवंश मोहल जैसे इलाकों में खतरा बना रहता है। कई इमारतों में सालों से लोग रह रहे हैं और मकान खाली करने को तैयार नहीं है। वहीं जिला प्रशासन, नगर निगम और KDA इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है, जबकि जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है उसका काम होता है कि आप सब चीज़ों की सूचनाएं वहां पर कलेक्ट करके दीजिए, परंतु यहां पर कोई भी क्षेत्र में कभी भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर देता नहीं है। और क्योंकि किराएदार भी मकान खाली नहीं करना चाहता, अगर खाली कर दिया तो हम जो है बेकार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो मकान मालिक भी चाहता हम पैसा लगा, क्या करें, किराएदार भी पैसा भी लगा, किराया कुछ मिलना नहीं है, 10-20 रुपये मिलना है। इन सब मकानों का जो है चिन्हित करके इन सब DM साहब को देना चाहिए कि इतने मकान इस अवस्था में पड़े हुए हैं। इस मकान को नगर निगम को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से अभी हादसा कई जगह पे हो चुका है, इनको इस सब चीज़ों पे ध्यान देकर नगर निगम को एक टीम बनानी चाहिए जिससे कि जर्जर मकान को खाली कर उसको खाली कराने काम करे, क्योंकि ये काम अगर नहीं किया जाएगा कि जो कि इस समय चल रहा है मानसून का समय, अगर बरसात कोई अच्छी खासी बरसात हो गई शहर के अंदर, तेज बरसात हो गई, तो जर्जर मकानों में लोगों को हानि भी हो सकती है, लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए उनको खाली कराना उनके लिए बहुत। जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए यहाँ पर कि जो है कंडीशन में जो मुंबई में हुआ है हादसा, कानपुर ना हो सके, अपने उत्तर प्रदेश में कहीं ना हो सके, हम ये कहेंगे नगर निगम जिला प्रशासन इस चीज़ को ध्यान रखे। इस वक्त हम कानपुर के ग्वालटोली इलाके में हैं और हमारे ठीक पीछे आप एक जर्जर इमारत देख सकते हैं जो इस वक्त खराब स्थिति में है, काफ़ी जर्जर हो चुकी है ये इमारत और कभी भी भरभराकर गिर सकती है। कानपुर में कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जो कि जर्जर इमारतों के चलते हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। बारिश का सीज़न है और ऐसे में ये इमारतें हादसों को दावत दे रही हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी भी इस बिल्डिंग को खाली नहीं कराया जा सका। एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे ये इमारत, आप देखिए कितनी जर्जर हो चुकी है ये इमारत, कुछ हिस्सा इसका गिर भी चुका है इमारत का, लेकिन बावजूद इसके अभी भी दो परिवार इस इमारत में रह रहे हैं अपनी जान हथेली पर रखकर। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर नगर निगम और जिला प्रशासन क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है।
उन्नाव हो या कानपुर, दोनों शहरों में जर्जर इमारतों के ढहने का डर बना हुआ है। लोग जहां इस डर से सहम है तो दूसरी तरफ प्रशासन को कोई चिंता ही नहीं। उन्नाव से विपिन शर्मा और कानपुर से राहुल कटियार की रिपोर्ट। अगर आप यूपी के 75 के 75 जिलों में जाएंगे तो वहां आपको जर्जर इमारतें जरूर मिलेंगी, जिनके नीचे रहना अपनी जान को जोखिम में डालने से कम नहीं। तब कौन सा हिस्सा कहां टूटकर गिर जाए किसी को नहीं पता। देश प्रदेश में जर्जर इमारतों से हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन सब हादसों का इंतजार ही करते रह जाते हैं। कोई भी उन हादसों को रोकने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। हर पल हादसे की आशंका और मौत का खौफ, पता नहीं कब कौन सी इमारत गिरकर जिंदगी को फना कर दे। लेकिन ना तो जिम्मेदारों को परवाह और ना ही इमारत के रखवालों को। जनता की सुरक्षा का जिम्मा खाकी के कंधों पर होता है, लेकिन खाकी की सुरक्षा भगवान के भरोसे है। मेरठ के पुलिस लाइन की आवासीय कॉलोनी को देखकर यही लग रहा है। यहाँ पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्य रहते हैं। जिन कॉलोनियों में ये लोग रहते हैं उनकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। आए दिन किसी न किसी बिल्डिंग का कुछ न कुछ हिस्सा टूट कर गिर जाता है, इसके बावजूद भी कोई इसे देखने वाला नहीं है। जनता की सुरक्षा का जिम्मा खाकी के कंधों पर होता है, लेकिन खाकी की सुरक्षा का जिम्मा अब भगवान के ऊपर है। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ के पुलिस लाइन में। यहाँ पर आवासीय कॉलोनी है और इन्हीं सभी मकानों में पुलिस जो कर्मचारी हैं वो सब यहाँ रहते हैं, जो पुलिस कर्मी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते लगातार सूचनाएं भी आ रही हैं मकान गिरने की, अलग अलग शहरों से आ रही है, यानी कि विदेश तक से मकान गिरने तक की सूचना आ रही है, बिल्डिंग गिरने की सूचना आ रही है। लेकिन यहाँ जो पुलिस लाइन में जो पुलिस कर्मी रहते हैं, उनका परिवार रहता है, वो किस हालत में रहते हैं ये आज लाइव टूडे आपको दिखाएगा। आप देखिए, यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो छज्जा है वो लगातार गिरने की कगार पर है और कई बार वो छज्जा गिर भी चुका है। लगातार ऐसे ही कई छज्जे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। पूरी जो बिल्डिंग है वो सभी जर्जर हालत में आपको यहाँ दिखेंगी। मेरठ के बाद अब सीतापुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ जर्जर होते सरकारी भवनों को लेकर प्रशासन बेखबर है। बारिश शुरू होते ही कई मकानों की दीवारें तक गिर चुकी हैं। कई हादसों में यहाँ लोगों को चोटें भी आई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। शहर में ऐसी दर्जनों इमारतें हैं जो गिरने की कगार पर खड़ी हैं। इतना ही नहीं, श्रम विभाग का दफ्तर इन्हीं इमारतों में से एक है। यहाँ सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ काम करने वाले लोग जान हथेली पर रखकर काम करते हैं। पूरे प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह जगह जनपदों से बिल्डिंग इमारतें जो जर्जर इमारतें हैं उनके गिरने के समाचार सामने आ रहे हैं। लगातार हम आपको बता दें कि इन जर्जर इमारतों से तमाम जानलेवा हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन ना तो जिला प्रशासन कोई इस ओर ध्यान दे रहा है, ना ही प्रदेश सरकार इन जर्जर इमारतों के लिए कोई उपाय सोच रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यह सीतापुर का श्रम विभाग कार्यालय है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की जो हालत है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कितनी जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है। इसी बिल्डिंग के नीचे जो है श्रम विभाग का जो कार्यालय वो चलता है। इसके अलावा यहाँ पे करीब आधा सैकड़ा से अधिक लोग यहाँ पे काम करते हैं और उनकी जान का खतरा लगातार बना रहता है। हमारे साथ में श्रम विभाग के जो जिला श्रम अधिकारी हैं इंदुभूषण जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उन लोगों को किस तरीके से काम करने में दिक्कतें आती हैं। हमेशा जान का खतरा लगातार बना रहता है। सर, आप लोगों को जान का खतरा हमेशा बना रहता है, कैसे आप लोग काम करते हैं? ये हम लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी से जल्दी जो है ये इस आवास को कार्यालय को बदला जाएगा, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।